नमस्ते. रिसेंटली वी हैव बीन कम अप विद दिस न्यूज़ इन विच अ 45-year-old पेशेंट इन मेदांता हैज़ डायग्नोस्ड विद ब्रेन हेमरेज एंड डिक्लेयर्ड ब्रेन डेड बाय द डॉक्टर. सो ही हैज़ डोनेटेड हिज ऑर्गन्स. बट इन दिस वीडियो मैं आपको ब्रेन हेमरेज के ऐसे रीसेंट सिम्टम्स बताऊंगी जिससे कि आप इसको ऐसी कंडीशंस को अवॉइड कर सकते हैं घर पे ही. तो ब्रेन हेमरेज जो है ब्रेन स्ट्रोक का एक पार्ट है. तो इसके अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो अगर आपको सीवियर हेडेक है जो एकम्पनीड है डिजीनेस और वोमिटिंग के, यानी कि चक्कर और वोमिटिंग उल्टी के साथ साथ आपको हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जिसे कह सकते हैं. आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास या रीसेंट मेडिकल इमरजेंसी के पास जाना चाहिए. सेकेंड, हम देखेंगे पेशेंट की फेशियल ड्रूपिंग हो रही है. एक साइड से फेस लटक रहा है और पेशेंट का एक साइड से फेस में आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है पेशेंट को. सेकंड, पेशेंट की बॉडी में एक साइड से बहुत ज़्यादा वीकनेस है. फेशियल ड्रूपिंग के साथ साथ एक साइड की बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस है, ठीक है. और आप ये वीकनेस कैसे पता लगाएंगे? कि वो नॉर्मली खड़ा नहीं हो पा रहा, और या फिर आप उनसे कहेंगे कि अपने दोनों हाथ एक साथ ऐसे ऊपर करें. अगर मरीज़ ऐसे अपने हाथ एक साथ ऊपर नहीं कर पा रहा, एक हाथ कर पा रहा एक हाथ नहीं कर पा रहा, तो वो ये भी एक साइन है ब्रेन स्ट्रोक का. थर्ड, हम देखेंगे पेशेंट को कुछ बोलने के लिए कहेंगे, कुछ भी. अगर वो जो उसका बोल है, उसकी स्पीच है, वो क्लियर नहीं है, ठीक है, वो स्लर्ड स्पीच है, तो ये भी एक सिम्टम है ब्रेन स्ट्रोक का. अगर ये सारे सिम्टम पॉजिटिव हैं या इनमें से कोई एक भी पॉजिटिव है, तो आप टाइमली मेडिकल इमरजेंसी लेंगे अपने रिसेंटली जो आपके आसपास मोस्ट नियरेस्ट मेडिकल इमरजेंसी है. आपको ज़रूर जाना चाहिए और टाइमली जाना चाहिए. ब्रेन स्ट्रोक का अगर कोई ट्रीटमेंट है तो वो यही है कि आप टाइमली उसका इंटरवेंशन हो, अर्ली जो आपके उसके साइन एंड सिम्टम हैं वो रिकॉग्नाइज हो जाए. आई होप आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी. थैंक यू.